आप मंदिर गए ही होंगे, वहाँ पर आपने कचरा देखा होगा, पर आपने कभी ये सोचा क्या कि मंदिर में कचरा किस लिए होता है? तो मैं आपको बता, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले कछुए के दर्शन क्यों किए जाते हैं। आपको बताती हूँ कि मंदिर में कछुआ किस लिए होता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब हम मंदिर में जाते हैं, आप मंदिर तो गए ही होंगे, वहाँ पर कछुआ दिखता है, पर कछुए को मंदिर में किस लिए रखा जाता है, उसके दर्शन क्यों किए जाते हैं, तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। दरअसल पुराणों के अनुसार माना जाता है कि जो कछुआ है उसने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। भगवान विष्णु इसी कारण दान मिला था को उसकी भी पूजा की जाएगी। इसीलिए हर मंदिर के सामने हमें कछुआ दिखाई देता है और हम उसकी पूजा करते हैं। और एक बात, मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले हमें कछुआ दिखाई देता है, उसके चार पैर, एक मुंह और एक पूंछ होती है और उसका शरीर संकुचित हुआ होता है और उसका ध्यान हमेशा भगवान। ये कछुआ कुछ ऐसा बताना चाहता है कि हर व्यक्ति को मंदिर में जाने के बाद काम, क्रोध, लालच, वासना, लोभ और अहंकार को त्याग कर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इन विकारों को त्याग कर हमें प्रसन्न मन से मंदिर में जाना चाहिए। जय माता दी, जगदम्बे महाकाली।